नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। आज भी मुंबई में दिन काफी चहल पहल भरा रहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 169 विधायकों के समर्थन के साथ अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो अब चुकता करेंगे देवेंद्र फडणवीस का हिसाब, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बहुमत साबित करने के पहले संविधानात्मक मुद्दे उठाकर बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उद्धव के पक्ष में 169 और 4 लोगों ने किसी को भी वोट नहीं दिया, जबकि विपक्ष में सिर्फ 0 वोट पड़ पाए। बीजेपी ने तमाम दावे किए, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने बीजेपी की एक भी नहीं सुनी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट केक वॉक होना था, मगर बीजेपी की दांव पेच ने उसे काफी देर तक दबोचे रखा। भले ही शिवसेना का चुनाव निशान धनुष तीर हो, मगर तीर चला गई बीजेपी। टोटेम स्पीकर के चक्कर को चपेटे में ले लिया और वोटिंग से ठीक पहले बाहर निकलकर जमकर नारेबाजी की। अब धमकी ये कि सरकार गैर कानूनी है। यह संपूर्ण कार्यावली संविधान के अनुरूप नहीं थी। जो संविधान के अनुरूप विधानसभा के नियम बनाए हैं, उन नियमों को ताक पर रखकर ये सारी कार्रवाई की गई। टमटमाए सीएम साहब ने सीना तान लिया। आज मैं रिकाम्या बाकांशी काही लढणार नाही, कारण मोकळ्या मैदानामध्ये तलवारबाजी करणार मी नाहीये। मी समोरासमोर लढणार आहे। चलिए आपको शुरुआत से पूरा ब्यौरा देते हैं। विधानसभा की कार्रवाई होते ही फडणवीस लोटा पानी लेकर चढ़ बैठे। पहले तो उन्होंने कहा कि बंदे मातरम गान से कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई, और फिर उस कार्रवाई को ही गैर कानूनी करार दे दिया। पता नहीं सरकार ने इस सवाल के लिए होमवर्क किया था या नहीं, लेकिन बीजेपी के तीखे तेवरों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज ढीली कर दी। प्रोटेम स्पीकर दिलीप पाटिल ने और ज्यादा क्रिकेटी होने से पहले अपने चयन को जायज ठहराया। दरअसल बीजेपी ने पहले ही प्रोटेम स्पीकर चुना था, जिसे मौजूदा गठबंधन ने हटा दिया। बीजेपी कह रही थी कि बहुमत साबित करने से पहले सरकार को हक नहीं था पहले प्रोटेम स्पीकर को हटाने का। बीजेपी की मांग थी कि पहले गुप्त मतदान के जरिए स्पीकर का चुनाव हो और स्पीकर फ्लोर टेस्ट ले। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान से होता है, और बीजेपी को भरोसा था कि गुप्त मतदान में सत्ता पक्ष का स्पीकर उम्मीदवार हार जाएगा। अगर संविधान को यहाँ पर ताक पर रखा जाता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन होता है, तो माननीय राज्यपाल जी ने ये सारी कार्रवाई निरस्त करनी चाहिए। प्रोटेम स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कार्रवाई लाइव चलेगी और फ्लोर टेस्ट गुप्त मतदान से नहीं होगा। ये बात सुनते ही बीजेपी के विधायक बाहर निकल गए और जमकर हंगामा करने लगे। इस विरोध प्रदर्शन के बीच सदन की कार्रवाई चलती रही। फ्लोर टेस्ट शुरू हुआ और नतीजा ये आया। सरकार के पक्ष में 169 वोट आए। 4 सदस्यों ने ना पक्ष में वोट किया ना विपक्ष में। उद्धव सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद ही फडणवीस फड़फड़ाती भुजाओं और तमतमाती भाव भंगिमाओं के साथ वार पर वार करते रहे। वो पूरे मामले को राज्यपाल के दरबार में ले गए हैं। इस बीच कल स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। आमने सामने ये दो दिग्गज, एक बीजेपी से, दूसरा कांग्रेस से। बीजेपी यहाँ भी सरकार की किरकिरी करने से पीछे नहीं हटने वाली। पहली झलक में पता चल गया कि 105 सदस्यों की ये पार्टी 3 दलों की सरकार का दम निकालने के लिए दम साध कर बैठी है। वो उद्धव को माधो माधो करने के मौके नहीं देने वाली। आज तक ब्यूरो। वही कांग्रेस में भी काफी चहल पहल है। दरअसल कांग्रेस ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करने पर जोर डाला था। उसके साथ साथ स्पीकर पद के चुनाव के लिए भी एनसीपी के साथ काफी जद्दोजहद की। इतना ही नहीं,
तो उपमुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया। कई पार्टी को इस बात का अंदेशा तो नहीं है कि सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर पार्टी में दरार तो नहीं पड़ जाएगी, शायद इसीलिए स्पीकर पद पर पार्टी का ज्यादा दबाव था। उद्धव बाला साहेब ठाकरे, नाम वही पहचान नहीं। उद्धव ठाकरे की इस पहचान पर गौर कीजिए, पद तो मुख्यमंत्री का है ही, पहचान हिंदू हृदय सम्राट की है। कम से कम कोशिश तो यही हो रही है। ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। जब उन्होंने शपथ लिया तब भी माहौल भगवा था, जब बहुमत साबित किया तब भी भगवा। इस बार शेड थोड़ा हल्का जरूर था। मुमकिन है एनसीपी को ये भगवा भाए, मगर कांग्रेस को ये भगवा कब तक भाएगा, उसका सेक्युलरिज्म कब तक सोया रहेगा, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये सही है कि हाल के दिनों में कांग्रेस की कोशिश रही है सॉफ्ट हिंदुत्ववादी दिखने की। राहुल गांधी का मंदिर मंदिर जाना, जनेऊधारी ब्राह्मण कहलाना, इसी रणनीति का हिस्सा रहा। मगर ये लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, उनकी ये चाल चली नहीं और अब वो एक भगवाधारी सरकार का हिस्सा है। क्या कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी पहचान को एकदम से पलट देगी, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। दांव पर किसी का कुछ लगा है तो वो कांग्रेस का ही है, शिकंजे में कसने की आशंका पंजे वाली पार्टी की ही है। हालांकि सरकार के हनीमून में फिलहाल इसके स्थानीय नेताओं का भी दिल हिलोरे मार रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एनसीपी के। बहुत ही रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, इतना भी रोना पहले दिन अच्छा नहीं, 5 साल है अभी। फिलहाल खुमारी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की है, इसलिए 5 साल का कमाल सुनना अच्छा लगता है। लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि इस कमाल कमाल के चक्कर में उसका कुनबा बेहाल हो सकता है। शायद कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी का शपथ ग्रहण में ना जाना अगर पहला संकेत था, तो दूसरा संकेत ये है कि वो स्पीकर का महत्वपूर्ण पद अपने पास ही रखना चाहती है। याद तो आपको होगा ही, अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने के लिए कांग्रेस ही ज्यादा कांपती रही थी। बसों में बैठकर कभी जयपुर की तो कभी मुंबई की परेड कराई गई। आगे वो विलीन न हो जाए इसलिए उसने स्पीकर के पद पर अपना दांव ठोका है। सुनते हैं सुपर सीएम शरद पवार को ये बात जमी नहीं। खबर ये भी है कि कांग्रेस उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहती है, यानी सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी। सरकार के गठन में भले ही उसके खेमे में खामोशी शिवसेना और एनसीपी के मुकाबले कम रही है, मगर वो अब खुलकर खेलने वाली है। सितारों से आगे जहां और भी है, मेरे इश्क का इम्तिहान और भी है। ये इम्तिहान कौन से है, राजनीति में दखल रखने वालों के लिए इसे समझना मुश्किल नहीं है। एक बयान शिवसेना के बयान वीर संजय राउत की तरफ से भी आया, जरा गौर कीजिए। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। दोनों बयानों की टाइमिंग देख रहे हैं ना आप, बहुमत साबित करने वाला दिन नहीं होता तो ये दोनों बयान सुर्खियां बटोरते, साथ साथ ये बयान खींचतान की दास्तान सुनाते। खैर, ये दिन भी दूर नहीं। सरकार में शामिल पार्टियों का विरोधाभास सदन में पहले ही दिन उजागर हुआ। अबू आजमी जब हिंदी में सरकार के पक्ष में बोले तो कईयों को हिंदी खटकने लगी। तो हंसने लगे कि आज भी आप राजनीति कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं कॉमन विमेन प्रोग्राम के तहत जो बातें तय हुई है कि हर समाज, हर राज्य, हर धर्म के साथ इंसाफ होगा, तो मैंने वो याद दिला दिया कि भाई देखो आदमी, ये महाराष्ट्र की सरकार 5 साल चलाएंगे, चलने चाहिए, ये तो कह रहे हैं 30 साल चलाएंगे। जहां भाषा के नाम पर इतनी तलखी है, वहां पद और ओहदों के नाम पर कितनी होगी, इसकी झलक दिखने लगी है। सरकार ने बहुमत तो पास कर लिया गिन गिन, मगर सरकार चलेगी कितने दिन, अब सबकी नजर इसी बात पर लगी है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। विधानसभा में बहुमत हासिल करते समय कुछ खास मेहमान गैलरी में मौजूद थे, जिसमें सुप्रिया सुले, मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी तमाम नेता भी मौजूद थे। सुप्रिया सुले कभी संकट मोचक के रूप में तो कभी आव भगत करने के लिए विधानसभा में हमेशा हाजिर होते हुए दिखी है। लेकिन क्या सचमुच में सुप्रिया सुले अब एनसीपी की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने। सुप्रिया सुले इस वक्त हमारे साथ है, बड़ा दिन सुप्रिया जी आपके लिए, 170 का आंकड़ा था, 170 का आंकड़ा पार कर लिया आखिर।
हाँ, मैं महाराष्ट्र की जनता की और सारे लोगों ने जिन पे हमने विश्वास दिखाया उनकी तहे दिल से उनको मुबारकबाद भी देती हूँ और आभारी हूँ। और एक भावना मेरे मन में जो है कि अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, कई सारे मुद्दों को लेकर आपत्ति जताई, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बुरा हुआ कि उन्होंने वॉकआउट किया। उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, मतदान में होना, एक्टिव होना चाहिए था, मतदान करना चाहिए था। गवर्नर के पास जाने की बात की जा रही है, कोर्ट में जाने की बात की जा रही है, क्या लगता है ड्रामा और चलेगा? नहीं नहीं, वो उनका अधिकार है, उनकी तरह की हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार विरोधक का मान सम्मान करने की तरह, वो दड़पशाही वाली सरकार हमारी नहीं है, हमारी प्यार और सेवाभावी सरकार है। शुक्रिया। तो सुप्रिया सुले का ये कहना है कि उनकी सरकार विपक्ष का भी सम्मान करेगी और विपक्ष जिस तरह से कोर्ट में जाने की, गवर्नर के पास जाने की बात करी, वो उनका अधिकार है। कैमरामैन मनीष शिरिस्कर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। तो अब रविवार को स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित किया हुआ है, लेकिन क्या उनका उम्मीदवार वहां पर जारी रहेगा या अब कोई नया मोड़ बचा है? राज्यपाल के अभिभाषण के बाद यह सदन का सत्र तो खत्म होगा और नई लड़ाई शुरू होगी 16 दिसंबर से नागपुर में। मुंबई मेट्रो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।